कैटरीना कैफ का टाइम इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक टाइम पर हिट फैक्ट्री कही जाने वाली कैट की फिल्में इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फेल हो रही हैं। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और जीरो का बॉक्स ऑफिस पर हार किसी से छिपा नहीं है। बड़ी बड़ी स्टार कास्ट होने के बाद भी ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन अब सलमान ने कैटरीना का करियर संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। खबर के मुताबिक सलमान ने अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी टाइगर की सीक्वल बनाने के लिए आदित्य चोपड़ा से बात की है। दरअसल पिछले 5 साल में सिर्फ एक हिट फिल्म दे सकी कैटरीना को नई फिल्मों के ऑफर मिलने बंद हो चुके हैं। हाल ही में भारत की शूटिंग में बिजी होने की वजह से रेमो डिसूजा की फिल्म ABCD3 भी उनके हाथ से निकल गई। आपको बता दें कि साल 2013 में धूम 3 की कामयाबी के बाद 5 साल में कैटरीना की सिर्फ एक फिल्म हिट हुई है और वो है टाइगर जिंदा है, जिसमें वो सलमान खान के साथ नजर आई थी। इसके बाद उनकी फिल्म बैंग बैंग, फैंटम, फितूर, बार बार देखो, जग्गा जासूस, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और जीरो सभी लाइन से फ्लॉप रही। फिलहाल कैट 2 साल पहले रिलीज हुई टाइगर जिंदा है के डायरेक्टर अली अब्बास जफर के साथ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भारत कर रही हैं। लेकिन इसके बाद कैट के पास कोई दूसरी फिल्म नहीं है, तो अब देखना होगा कि सलमान का ये फैसला कैटरीना के लिए कितना मददगार साबित होता है। वेल, तो अब आप हमें बताइए कि आप भाईजान के इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।